इस अलमारी पर क्यों चढ़कर बैठी हो? मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी बैठूं। अलमारी पर बैठने के लिए क्या मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? ये है गुड्डन और एजे की अनोखी सुहागरात। गुड्डन अलमारी के ऊपर और दूल्हा नीचे। और जरा इस हटीली दुल्हन को तो देखिए, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। नीचे नहीं आएंगे हम। तुम वहाँ क्या कर रही हो? जमीन पर रहके बहुत देख लिया हमने। अब हम आओ नीचे बातो। हम क्यों नीचे? हम नीचे नहीं आने वाले। वैसे भी इतने ऊंचे घर में शादी हुई तो ऊंचाई पर रहने के आदत डाल रहे। आप हमसे दूर रहेगा। एक मिनट चुप। तुम्हें लग रहा है ये सब स्वागत के लिए कर रहा हूँ? नहीं, हमने तो बोला, आप ही ने बोला है ना अभी अभी। वैसे ये तो बताइए मिसेस गुड्डन जिंदल कि आपको अपने सुहागरात के दिन अलमारी के ऊपर की जगह क्यों पसंद आ गई? गुड्डन को सजा धजा के भेज दिया जाता है कि आज आपकी सुहागरात है। अब गुड्डन डर गई कि अरे सुहागरात अंकल के साथ, मतलब नॉट पॉसिबल। तो गुड्डन क्या करती है, छुप के कबर्ड पे चढ़ जाती है। अब और तो कोई बेचारी के पास बचा नहीं था, बाहर से दरवाजा बंद करके चली गई है बहुएं। तो ऊपर चढ़ जाती है और बड़े प्राउड से, हाँ हमें अच्छा लग रहा है यार, है ना, हम ऊपर ही रहेंगे। एजे आके फिर उसको कहते हैं अरे नीचे आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। कहती है नहीं नहीं, गुड्डन के माइंड में ये रहता है कि नहीं, ये अंकल के मन में खोट है। सुहागरात मनाने नहीं घुसा था मैं, ये मेरी बहुओं की एक चाल है। क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि गुड्डन और मेरा रिश्ता असली है कि हमने सिर्फ नाम मात्र शादी की है। तो उन्होंने पूरे ही सुहागरात की सेटिंग करके हम दोनों को इस तरह एक सिचुएशन में डाल दिया है कि हम दोनों ये सोच रहे हैं कि हम दोनों चाहते हैं कि ये सुहागरात हो। अच्छा जी, तो गुड्डन को ये स्टंट अपनी बहुओं की वजह से करना पड़ रहा है। बहुओं ने तो गुड्डन को सुहागरात के लिए कमरे के अंदर भेज दिया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि गुड्डन के पास उनके हर षड्यंत्र का तोड़ है। खैर, एजे के बार बार कहने से गुड्डन नीचे तो आ गई, लेकिन बड़े स्टाइल से एजे की बाहों में गिर गई और शुरू हो गया दोनों का रोमांस। गुड्डन नीचे नहीं आती है, लेकिन फिर वही हमेशा की तरह जो गुड्डन के साथ होता है, गलतियां कर देती है, गिर जाती है ऊपर से नीचे और फिर एजे की बाहों में। अरे अंकल थैंक यू बचा लिया आपने, लेकिन फिर अंकल गिरा देते हैं। भाई दिन भले ही सुहागरात का हो, लेकिन गुड्डन के दिमाग पर तो गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्योंकि उसे पर्व की सच्चाई पता चल गई है और उसे ऐसा लगता है कि एजे ने उससे धोखे से शादी की है। इसीलिए वो गुस्से में अंतरा की पेंटिंग चला रही है, लेकिन एजे उसे रोक लेता है। गुड्डन को ये लगता है कि एजे और पर्व दोनों ने मिलके गुड्डन को मजबूर किया शादी के लिए, एंड एजे ने उसको बताया नहीं कि पर्व जो है उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आज गुड्डन को बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बात का कि वो दोनों ने मिलके मजबूर किया करके शादी किया, सारा प्लान बनाया। वैसे पेंटिंग को देखने पर अक्षत को पता चलता है कि गुड्डन अंतरा की पेंटिंग नहीं बल्कि खाली कैनवस जला रही थी। खैर, इस गुस्से और झगड़े के बीच भी गुड्डन और अक्षत का रोमांस फिर से शुरू हो गया। तो अब देखना ये होगा कि बहुओं की अगली चाल क्या होगी गुड्डन को परेशान करने की। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।